नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दलमिया भारत के बारे में। दलमिया भारत आज सुबह से सेलिंग प्रेशर में रहा, मगर ना जाते वक्त ना थोड़ा सा खरीदारी हुई, इस वजह से अपसाइड इसमें जाकर क्लोजिंग दिया है। अगर कैंडल को आपको जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए 2 से 2.5% तक का इसमें गिरावट रहा आज के दिन, और यहाँ पे देखिए 2.5% तक के आसपास का रहा, और थोड़ा सा इसमें खरीदारी हुई जिस वजह से अपसाइड गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इसमें तो लोअर लो पैटर्न बनाकर इसमें रोज एक तरह से ना डाउन साइड जा रहा है, मगर अभी एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से एक बाउंस बैक मार सकता है। तो दो सपोर्ट लेवल बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो क्लोजिंग दिया एक सपोर्ट लेवल पे दिया है जो कि 1739 का है, और मार्केट कितने पे क्लोज किया था, 1772 पे किया है, बराबर ना। मतलब इसके अपसाइड जाकर क्लोजिंग दिया। तो अगर आप नया पोजिशन बना रहे हो तो इसमें ना अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम का रखते हो तो 2500 रुपये तक का अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो कि ब्रोकरेज हाउस दलमिया भारत को लेकर अपना अपना व्यू रखे हैं, और 4 ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट दिया। और अगर शॉर्ट टर्म व्यू रखते हो तो छोटे छोटे टारगेट रखिए, क्योंकि इलेक्शन की वजह से ना वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। और अगर इंडेक्स को देख ट्रैक करते हो तो इसमें देखिए आज चौथा दिन है, यानी तो आज चौथा दिन है जिसमें इंडेक्स में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल रही है। हाँ, तो थोड़ा सा ना थोड़ा सा था, मगर पिछले जो 3 दिनों की बात किया जाए तो उसमें भारी भरकम सेल ऑफ रहा, जिसका ना इस शेयर में भी प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो रिजल्ट आया था यहाँ पे, यहाँ दोस्तों एक कैंडल आपको दिखा, सब सब चीज में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कैंडल गिरावट किसमें हुई, रिजल्ट की वजह से हुई। उसके बाद में एक दिन होल्ड किया, दूसरे दिन अच्छे खासे टारगेट के ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आने लगे, ब्रोकरेज हाउस सब बुलिश हो गए थे, अपसाइड लेके गए। फिर बाद में इसमें क्या हुआ, 3 दिन ना 3 से 4 दिन से जो है निफ्टी में गिरावट आ गई, निफ्टी का प्रभाव इसमें भी देखने को मिला। तो सेम चीज बता रहा हूँ, जब तक अभी मार्केट ना एक तरह से स्ट्रांग नहीं होता तब तक इसमें ना सेलिंग पोजिशन हमको देखने को मिल सकती है। तो पहले छोटे छोटे टारगेट पे फोकस रखिएगा। सपोर्ट लेवल है पहला 1739 का, इसको होल्ड करता है तो अपसाइड हमको पहला टारगेट जो देखने को मिल सकती है वो है 1850 से, यहाँ से 100 पॉइंट तक अपसाइड पहला ये टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई तक का वो है 1930 रुपये तक का देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल 2 है 1670 से लेकर 1739 तक का है। अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय।